It's all about being better than how you used to be. संविधान नहीं था और बिना संविधान के
रेस को नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में तब एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनाया गया। इसके निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे अहम भूमिका रही। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लगा। गहन विचार विमर्श मंथन कई बैठकों के बाद बनाए गए इस संविधान को देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत को एक लोकतांत्रिक संप्रभु और गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं। याद करें उन शूर वीरों की कुर्बानी जिनके कारण हम इस लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं, मैं आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। साथ ही अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत उन सभी विद्वान लोगों को भी शत शत प्रणाम जिन्होंने हमें ऐसा महान संविधान दिया। यह हमारा संविधान ही है जो भारत की सभी जाति और वर्गों के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में भव्य समारोह का आयोजन होता है। दिल्ली के राजपथ पर होने वाली शानदार परेड न केवल राष्ट्र की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करती है बल्कि सांस्कृतिक विविधता में एकता को भी दर्शाती है जो हमारी अनमोल विरासत का प्रतीक है। आज हमारा देश भारत गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संविधान के लागू होने के दिन से लेकर आज तक हमारी यात्रा बहुत अद्भुत रही है। प्रत्येक नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां प्राप्त की है उनका उत्सव मनाते हैं। हमारा गणतांत्रिक भारत आज सफलता और प्रगति की ऊंचाइयों पर है। वैज्ञानिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में विकसित हो गया है। मंगल मिशन, चंद्रयान, G20 की अध्यक्षता, ओलंपिक में मेडल्स, ऑस्कर में सम्मान आदि प्रगतिशील भारत के जीते जागते उदाहरण है। आज विश्व समुदाय भारत को सम्मान की नई दृष्टि से देखता है। परंतु प्रगति का जायजा लेने के साथ साथ कई उभरती चुनौतियों का सामना करना और उन पर विशेष ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। हमें यह आकलन करना होगा कि देश ने क्या खोया और क्या पाया। जहाँ देश ने विकास के नए नए सोपान चढ़े हैं, वही संविधान के लागू होने के इतने वर्षों बाद भी हमारा देश अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, लिंग भेद और शिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सबको एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इन समस्याओं से नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं का सपना पूरा नहीं होगा। अतः अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि राष्ट्र उन्नति श्रेष्ठ भारत जन जन में यही जागृति लाना है। राष्ट्र हित सर्वोपरि धर्म है। श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, तो आइए गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर तन मन में नया उमंग भरे, सर्वधर्म सर्वहिताय की सेवा पूरे राष्ट्र भर में फैलाए और भारत को बहुल संस्कृति, सभ्यता और प्रगति का अनोखा मेल बनाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
हर साल मनाते उत्सव गणतंत्र को ही मजहब माने, गणतंत्र को ही मजहब माने। हम संविधान की भाषा बोले, हम संविधान की भाषा बोले, रग रग में निज कर्तव्य बोले, रग रग में निज कर्तव्य बोले। गुलामी की बेड़ियों को जब रावी तट पर तोड़ा था, उसी अवसर पर हमने संविधान से नाता जोड़ा था। हर साल इस अवसर पर गणतंत्र उत्सव हम मनाए, हर साल इस अवसर पर गणतंत्र उत्सव हम मनाए। आओ आज गणतंत्र का मतलब आपको समझाएं, आओ आज गणतंत्र का मतलब आपको समझाएं। आओ आज तिरंगा लहराएं, आओ आज तिरंगा फहराएं, आओ आज तिरंगा लहराएं, आओ आज तिरंगा फहराएं। 26 जनवरी 1950 को लागू अपना गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू अपना गणतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत ने इस दिन एक नए आसमान को छुआ था। था वो ऐतिहासिक पल हमारा जिससे गौरवान्वित था भारत सारा। इसलिए विश्व के सबसे बड़े संविधान में खिताब अब तक है हमारा। सारे विश्व में लोकतंत्र का डंका हमने बजाया है। संविधान के नियमों को अपने जीवन में अपनाया है। आओ मिलकर तिरंगा फहराएं, आओ मिलकर तिरंगा लहराएं। आओ बच्चों हम भी देश के सभ्य नागरिक बने। जात पात को भूलकर सब मिलजुल कर आगे बढ़े। जातिवाद क्षेत्रवाद और आतंकवाद की आगे किसने लगाई है। देश के युवा मत फंसो इस भंवर जाल में, ये केवल एक बुराई है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए कुछ लोगों ने देश को भरमाया है। जातिवाद और क्षेत्रवाद के चक्र में हमको कितना उलझाया है। अभी समय है इस भ्रम को तोड़कर आगे जाने का, सब कुछ छोड़ भारतीय पर इस देश में विकास लाने का। जातिवाद को पीछे छोड़ हम सच्चे हिंदुस्तानी बन जाएं, अपने कर्तव्यों को अपनाएं और आजीवन इसे निभाएं। आओ मिलकर तिरंगा फहराएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस इस शुभ वेला, इस दिवस का शुभारंभ आपके इस मंगल अनुष्ठान के साथ हुआ है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रिंसिपल फादर और आदरणीय जो आपके मैनेजर फादर हैं, आप दोनों से मिलके मैं इतना अपने अंदर गदगद हूं कि मुझे यूं लगा है कि मैं किसी स्कूल में नहीं आया हूं, मैं किसी एक तीर्थ स्थल पर आ गया हूं। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर वातावरण राजसमंद के अंदर और उदयपुर के अंदर शिक्षा विभाग के भिन्न भिन्न पदों पर रहते हुए मैंने बहुत सारे स्कूल देखे, वो बहुत अच्छे थे, उसमें कोई संशय नहीं।
और आपके इस कांकरोली नगर के, राजसमंद नगर के, मैंने कई स्कूलों के इंस्पेक्शन किए हैं, यहां तक कि जेके सिंघानिया का भी किया है, आलोक का किया है, लेकिन मुझे वहां पर कुछ न कुछ संभावनाएं नजर आई। लेकिन ये एक ऐसा परिसर है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बच्चा बहुत सारे अवसरों को प्राप्त कर रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है। इस संविधान को हमारी आवश्यकता है। संविधान के बारे में दो बच्चे पहले बहुत कुछ कह गए, बाद में दो बच्चों ने कविताएं भी पढ़ी और बहुत कुछ बता दिया, साफ सुथरा बता दिया। संविधान की अनुपालना के लिए, अपने देश की विधान के साथ खड़ा रहने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उस संविधान को आप पढ़ें तो बहुत अच्छा, एक धर्म ग्रंथ सा है, पढ़ें और जाने, और न पढ़े तो भी आप उसकी अनुपालना कर सकते हैं, केवल मात्र और केवल एक काम करके, कि ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम्हें डर लगे, तुम वह काम भी मत करो जिससे तुम्हें दंड मिलने की संभावनाएं हो, और वो काम कभी मत करो कि जिससे कि तुम्हें लज्जा आए। जो इन तीन